इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।
पिता रामचंद्र स्वामी राम मत सखा रामचंद्र सर्वस्वम में रामचंद्र दयालु नान्यम जाने नैव जाने बंदो श्री तुलसी के चरण जिनके कलि समुद्र बोड़त प्रगट सत सियराममय सब जग जानी करम रज राम चंद्र भगवान की जय। श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। भवानी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर परिपूर्णतम परमात्मा अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघव को प्रणाम। शिव जय हनुमान जी को साष्टांग बाबा को बारंबार वंदन। कल हम आप भगवान की शिशु लीला बाल लीला और ब्रह्मचर्य आश्रम के अनुशासन का स्मरण किए। आज कथाक्रम में पांच लीलाओं का स्मरण है। सभी प्रसंगों को संक्षेप करते हुए हम विवाह की कथा पर विश्राम करेंगे। भारतीय संस्कृति में चारों आश्रम चारों वर्ण के लिए अलग अलग व्यवहार व्यवस्था दी गई है। हरेक आश्रम अपने से ऊर्ध्व आश्रम की तैयारी है। ब्रह्मचर्य आश्रम गृहस्थाश्रम की तैयारी है, गृहस्थाश्रम वानप्रस्थ की तैयारी है और वानप्रस्थाश्रम सन्यास की तैयारी है। श्री राम कथा में भगवान शिव ने माँ शिवा को मूल मूल तत्वों का स्मरण कराते हुए प्रकाश दिया है। देवी भगवान ने सभी वर्णों और सभी आश्रमों को क्या पालन करने योग्य व्यवहार है इसको जिया। इसी क्रम में आज की कथा का प्रारंभ है। कल हम आप भगवान को विद्यार्थी जीवन से शिक्षा प्राप्त कराकर और श्री अवध में विश्राम कराए थे। याज्ञवल्क जी महाराज भरद्वाज जी से कहते हैं
यह सब चरित कहा मैं गाई आगिल कथा सुनहु मन लाई यह सब चरित कहा मैं गाई आगिल कथा सुनहु मन लाई विश्व सही विपिन शुभ आश्रम जानी विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि जप जग्य जोग मुनि करई अति मारीच सुबाहु निसाचर धावन करही उपद्रव मुनि दुख पावई देखत जग निसाचर धावन करही भाई हे
याज्ञवल्क जी महाराज भरद्वाज जी से कहते हैं, हे ऋषिवर, भगवान की शिशु बाल लीलाओं का यथा साध्य यथा योग्य संक्षेप विस्तार व्यास समास पद्धति में मैंने गान किया। अब जो अगली कथा है उसको सुनिए। अगली कथा कुछ बात से विशेष है। क्यों है? भगवान से ही प्राप्त वस्तु को हम जब भगवान ही मांगने लगे तो सोचना प्रारंभ करते हैं कि दें कि न दें। दिया भगवान ने और जीव ऐसा कृतज्ञ है, भगवान ने ही दिया है, भगवान ने ही मांगा, तब भी सोचना प्रारंभ करता है। क्यों? अज्ञानवश। जीव का अज्ञान परक राग ही मोह है, विशेष है। इसलिए अगली कथा को उस लीला से अलग लीला कर दी गई। ये क्या लीला है? यज्ञ भगवान से ही राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न प्राप्त हुए। फिर यज्ञ रक्षा में बाबा विश्वामित्र जी जब मांगने आए तो चक्रवर्ती जी ने मना कर दिया। चौथे पन विप्र वचन नहीं कहो यज्ञ से ही उत्पन्न हुए, यज्ञ ने ही दिया, यज्ञ नारायण की कृपा प्रसादी हैं चारों पुत्र। ये कथा है। विश्वामित्र जी यज्ञ रक्षार्थ लेने आए, जिससे जो प्राप्त हो उसको वह देने में संकोच नहीं होना चाहिए। परंतु यहां इस कथा प्रसंग में जीव का सहज स्वभाव गाया गया है, ये विशेष कथा है, अद्भुत है। बाबा विश्वामित्र जी ध्यान में गए तो देखा परमात्मा ने अवतार लिया है, चलूं लेकर आऊं। ज्ञान वैराग्य के खजाना प्रभु का दर्शन होगा, हमारे यज्ञ की रक्षा होगी, मुनियों का मंगल हो जाएगा। पहुंच गए सरजू मैया में, स्नान किए, खबर पहुंची है दूतों के द्वारा, महाराज ने आकर बहुत सुंदर स्वागत किया, अद्भुत स्वागत भया। राज सिंहासन पर पधरा दिया। अतिथि है महाराज, बिना बताए आ गए। अतिथि देवो भव। बच्चों को बुलाए और चरणों में डार दिए। पुनिचर नने मेले सुत चारी राम की मुनि बहुत अच्छे। क्या बात, ये भी एक स्टाइल है। राम देखी मुनि देह बिसारी। चारों पुत्रों का दर्शन हुआ, राम जी को देखकर विश्वामित्र जी महाराज अपना शुद्ध बुद्ध भूल गए। क्यों? ये वो राम हैं जिनका सब जप करते हैं, जिनके लिए सब तप करते हैं, सब जिनके लिए जप तप करते हैं, वो राम चक्रवर्ती जी के पुत्र बनकर आ गए। यह सोचकर राम देह विसारी, राम जी को देखकर, अरे
मुझे लेने आना पड़ा, मैं मुनि हूँ, इनके यहाँ अपने आप आ गए, हमसे तो अधिक भाग्यशाली ये हर आदमी। हर आदमी एक दूसरे के सौभाग्य को, वैभव को, ऐश्वर्य को देखकर जलता है जिसमें भगवान की भक्ति का अभाव है। बहुत बढ़िया मकान बना लिया, ऐसा ही मेरा भी होना चाहिए, नहीं हुआ तो फिर आगे जो सोचता है वो कहने लायक नहीं। सहज मनुष्य का स्वभाव है, उसको दूसरे का ऐश्वर्य संभलता नहीं है, अच्छा नहीं लगता, उसको जलन होती है। लेकिन भक्त का स्वभाव क्या, चक्रवर्ती जी के सौभाग्य को देखकर मुने विश्वामित्र जी गदगद हो रहे, गुरुदेव भगवान विराज रहे श्रेष्ठ आसन पर, हाथ जोड़कर श्री चक्रवर्ती जी महाराज ने प्रार्थना पूर्वक प्रश्न किया, हे देव, ऐसा सौभाग्य मेरा बढ़ा आपके आगमन से, आज्ञा करें। के ही कारण आगमन तुम्हारा कहो सुखद नला। हे ऋषिवर, आपका आगमन किस कारण से हुआ कहिए, मैं उस कारण को पूर्ण करने में एक पल का विलंब नहीं लगाऊंगा। विश्वामित्र बाबा ने कहा, राजन असुर समूह सतावहि मोहि मैं जाचन आयो अनुज समेत देहु रघुनाथ निश्चर बद मैं भोग सनाथा। निशाचर लोग हमको सता रहे हैं, हम आपसे कुछ मांगने आए, क्या छोटे भैया समेत रघुनाथ जी को दे दीजिए, छोटे भैया समेत रघुनाथ जी को दे दीजिए, निशाचरों का वध हो जाएगा और मैं भी सनाथ हो जाऊंगा। सनाथ क्या होंगे, विश्वामित्र गुरु महाराज हैं, ये क्या सनाथ होंगे, ये राम का भाव है। अनाथ कौन, जिसका कोई नाथ नहीं है वो अनाथ है, जिसके नाथ रघुनाथ वो अनाथ कैसा। अनुज समेत देव रघुनाथ निश्चर बद मैं देह भूप मन हर्षित तजहु मोह धर्म सुजस प्रभु तुम इद कहयति राजन। प्रसन्न मन से दीजिए, आपका यशवर्धन होगा, धर्म रक्षा होगी, बच्चों का कल्याण होगा। कितना भी कोई कहे समझ में नहीं आता, लेते समय समझ में आता है, देते समय आप गई आदर गयो नैनन गयो स्नेह ये तीनों तब ही गए जब ही कहा कछु दे लाओ।
बाबा ने बड़ा सुंदर लिखा है, सुन राजा अति प्रिय वाणी हृदय मुख दुत कुमला, हृदय कांप गया महाराज का। अभी तो कह रहे थे कहो सुकरत नला। कल जिस प्रसंग का स्मरण कर रहे थे कि भगवान ने कभी पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, तो विष्णु जी लाए थे एक प्रसंग, चर्चा हुई प्रातः काल बाप बेटा की, उसमें आप विचार कर लो, जब हम किसी को वचन देते हैं तब हमको ध्यान रखना चाहिए कि हम वचन दे रहे हैं तो मांगने वाला हमारा जान भी मांग सकता है, प्राण भी ले सकता है। चक्रवर्ती जी ने कहा रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बरु वचन जाए। यह हमारे कुल की परंपरा है, प्राण जा सकता है वचन खाली नहीं। तो फिर माँ ने मांगा अभिषेक और वनवास तो देना पड़ेगा। यहां भी महाराज देखिए ये भाव है, सदगुरु से कहते गुरु जी चाहे जो मांग लो, गुरु जी ने कहा यहीं रहो यहीं रहो। इसलिए से ये गुरु थी अग्नि नृप मध्य भाग के माए, से ये गुरु थी अग्नि नृप मध्य भाग के माए। गुरु महाराज हमारी इतनी क्षमता है, गुरु जी से कहा चाहे जो मांग लीजिए कल यहीं रहो आश्रम पर सेवा करो तो फंस जाएंगे। मांगते समय देते समय सावधान। हम बहुत प्रसन्न, देखिए एक सूत्र है दो पंक्तियां हैं हमारी याद रखिएगा, जीवन में अतिशय प्रसन्न हो तो किसी को वचन न दिया जाए, अब बहुत क्रोध में हो तो कोई निर्णय न किया जाए। सदैव दो बातों का स्मरण रखना चाहिए, बहुत प्रसन्न हो जाने पर आदमी कहता है आप चाहे जो मांग लो सब दे दूंगा, मांगने वाला मांग लिया तो आफत। यहां चक्रवर्ती जी महाराज कहते हैं यही सिद्धांत समझना है, कहो सो करतन लाओ बबारा। और जब स्वभाव देखा स्वरूप देखा भाव देखा, लोहा गर्म था, गुरुदेव भगवान विश्वामित्र ने टक से मार दिया, अनुज समेत देहु रघुनाथा निश्चर बधमय हो सनाता। कहते कहते आधी बात कहे चेहरा बदलने लगा, तब बोले देहु भूप मन हर्षिता। ये कठिनाई है, देते समय हमारा स्वभाव हमारा मन हमारा चेहरा प्रसन्न नहीं रहता है। हमसे कोई मांग दे उसी की सामग्री वो मांगे, वो रखा है वो मांगता है, हमारी जिह्वा न जाने क्या क्या बोल जाती है, बड़े आए तुम सामान वाले ये लो, अरे भाई मेरा ही है ऐसा क्यों झुझला रहे हो। नहीं, हम दूसरे की सामग्री में भी राग रखने के कर्तव्यशील अधिकारी हो गए, है उसी का रखा उसने मेरे पास की सुरक्षित रहेगा, लेकिन जब वो लेने आता है तो हमको उलझन होती है। यज्ञ भगवान के द्वारा सरकार प्रत्यक्ष आए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न यज्ञ रक्षार्थ मांगने आए, देखिए भाषा बदली, बोले चौथे पन पायम सुत प्रवचन नहीं करे सब सुत प्रिय मोहि प्राण किनाही, पर राम देत नहीं गोसाई। आपने विचार कर नहीं मांगा, मांगने वाला विचार नहीं करता है, ये विचार करना देने वाले के जी में है। मांगने वाला चाहे जो मांगेगा आप कह दो बस, देने वाले को मांगने वाला सिलाई मशीन मांग सकता है, वाशिंग मशीन कुछ भी मांग सकता है सर। देने वाला प्रेस दे
भैया बैठे नारायण, मांगने वाला चाहे जो मांग सकता है, इसलिए देने वाले को सावधान रहना, क्या मांगना नहीं क्या देना, वचन देते समय हमको सावधान रहना चाहिए। हम लोग तो कथावाचक है, घूमते रहते, कोई कुछ देता कोई, अरे धरो भाई हमारे घर में खुदे है, क्या करना, ले दो ही पंखा है, तीसरा क्या करना, सिर पर थोड़ी रखना है। लेकिन आपको ये प्रसंग कहता है, देखिए चक्रवर्ती जी महाराज ऐसे हैं, इंद्र भी सिंहासन खाली करता है जिनके लिए, हमारी आपकी गिनती नहीं है साहब, देवराज इंद्र तो क्या ब्रह्म जिनके पुत्र हैं, ऐसे चक्रवर्ती जी महाराज से भी जब विश्वामित्र भगवान मांग रहे तो क्या कहते, दूंगा नहीं, सब सुत प्रिय मोहि प्राण किन्हारे, राम देत नहीं, सारे पुत्र मुझे प्राण के समान प्रिय हैं, लेकिन राम जी तो प्राणों से भी प्रिय हैं। अद्भुत है ये प्रसंग भी अद्भुत है और सरकार की लीला भी अद्भुत है, होगा वही जो चाहेंगे गुरु महाराज। लेकिन देखिए यहां एक सावधानी बरतनी है, जिसकी कृपा से जो वस्तु हो उसी का अधिकार है, हमारा उस पर कोई अधिकार नहीं है, इसको धर्म कहते। हमको भगवान की कृपा से सामग्री प्राप्त है तो उस पर भगवान का हक है, हमारा नहीं है, और जिस दिन हमारा समझेंगे हमारे काम भी नहीं आएगा, क्योंकि सामान दूसरे का है, ठीक है, सामान दूसरे का है, आपका सामान हम प्रयोग नहीं कर सकते, करेंगे तो फल मिलेगा। चार चना खाए सुदामा जी दरिद्र हो गए कन्हैया के, और कोई पूरी मिठाई खा डाले तो बीमारी तो होगी होगी, कोई फले खा डाले किसी दूसरे का प्रसाद रखा हो खा गए बीमारी होगी, तबीयत गड़बड़ करेगा वो, क्यों, हक हमारा नहीं। यज्ञ भगवान ने दिया, यज्ञ नारायण में जाना चाहिए, परंतु महाराज का जो ममत्व है, प्रेम है, पुत्र प्रेम है, ये राम जी के द्वारा ही प्राप्त है, इसलिए ये सब लीला हो रही है। देखिए पीछे जाइए मनु सद्रूपा प्रसंग में, क्या भैया मनु जी महाराज को भगवान प्रत्यक्ष होकर वर दिए, सो तुम जान हूं अंतर्यामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी, माँ ने मांगा छह बात मांगी, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु हम ही कृपा करी दे, मनु जी ने देखा इनके पास तो डबल हो गया, दोगुना चला गया, तब मनु जी महाराज बंद चरण मनु कहे वो बहोरी, अवरुवेक बिनती प्रभु मोरी, मन बिनु फन जिम जल बिनु मीना, मम जीवन तिम तुम ही अधीना, असबर मांग चरण गई रहे, एवमस्तु करो मनु जी महाराज के स्वरूप में भगवान श्री रघुनाथ जी ने ही मनु जी के स्वरूप में चक्रवर्ती जी महाराज को एवमस्तु कह रखा है, किस पर, आप जब जीवन से चले जाएं तो जैसे मणि ले लेने पर, छीन लेने पर सर्प का जीवन समाप्त हो जाता है, जल से हीन कर देने पर मछली का जीवन समाप्त हो जाता है, आप नहीं तो मेरा जीवन समाप्त हो जाए, इसलिए कहते हैं राम देत नहीं बनहि गोसाई। परमार्थ में साइड लेकर नहीं चला जा सकता है, गाड़ी भी चले सड़क पर पहुंच भी जाए और टायर भी ना खराब हो, पॉसिबल नहीं, एक को खोना पड़ेगा। हम पहुंच भी जाए मार्ग में कठिनाई ना हो, ये संभव नहीं है। हम घर में भी रहें और कथा में भी रहें, दोनों संभव नहीं है। हम गर्मी में भी न रहें और कथा भी सुन लें, ये संभव नहीं है। एक का त्याग करना होगा, परमार्थ साधते समय स्वार्थ का त्याग करना होगा, जिसका स्वार्थ आगे होता है उसका परमार्थ असफल हो जाता है। भगवान ने अवतार किस लिए लिया, विप्र धेनु सुर संत हित, विश्वामित्र जी क्या हैं, पहला बे प्रवचन नहीं
विचार। राम जी चक्रवर्ती जी महाराज के लिए नहीं आए, किस लिए आए? विप्रो के लिए आए। और विश्वामित्र जी विप्र हैं, इसलिए विप्रदेव बड़े प्रसन्न हुए। देखिए, सबका तन, सबका मन, सबका धन, ये परमार्थ में प्रयुक्त नहीं होता। सब तन परमार्थ में नहीं लगता, सेवा सबके बस की नहीं है। सबका मन परमार्थ में नहीं लगता, लोगों को ताश खिलाओ तो दिन भर खेलत। चलो जरा मंदिर चलना है, आप चलो बस में पीछे से आया और घर में जाके सो जाए। परमार्थ में सबका तन नहीं लगता जाता, सबका मन नहीं रमता और हर धन परमार्थ में प्रयुक्त नहीं होता। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पहले दिन ये पंक्ति ली थी, जिस पर अति कृपा है भगवान। यही इतनी कथा 3 घंटे की है, एक एक पंक्ति में। हृदय हर्ष माना मुनिया, ज्ञानी नित्य और अनित्य का जिसको विवेक है वो ज्ञानी है। चक्रवर्ती जी और विश्वामित्र जी दोनों चिंतन में समान हैं। वो भी धर्म धुरंधर गुण निधि, हृदय भगति मते सार, सुनिंद्र पगिरा प्रेम रस सानी, हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी। ये चाहते हैं, ये त्यागना नहीं चाहते। जानते हम आप सब हैं, हमसे अधिक कथा आप जानते हैं, परंतु जो गाता है जो कहता है उससे सुनकर उसमें से कुछ काम की निकाल कर बात रख ली जाती है। जब तक जानकार को ज्ञानी को भी कोई सत्संगी न मिले तो ज्ञान सुषुप्त अवस्था में रहता है। इसलिए बाबा कहते हैं भोलेनाथ जीवन मुक्त महामुनि जे हरि गुण सुनहि निरंतर। निरंतर भगवत कथा को, भगवत चरित्र को, भगवत गुणगान को श्रवण करते रहते। कौन? जो जीवन मुक्त हैं, जो बोध प्राप्त हैं, तत्ववेत्ता महर्षि हैं। अब जब दोनों ज्ञानी लोग एकत्र हुए तब गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार समझाया, लिखा है। तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, नृप संदेह ना सकह पावा, नृप संदेह ना सकह पावा। अति आदर दो तनय बुलाए, बहुविधि समझाया, अर्थात कहा हे राजन, शिक्षा तो मैंने दे दी, अब इनको अनेक आयुध की दीक्षा प्राप्त होनी है। विश्वामित्र जी महाराज राज ऋषि हैं, तप करके अनेकानेक आयुध एकत्र किए हैं, यही इनको देंगे, इसलिए विदा करिए। आयुध की शिक्षा देते समय उसका प्रयोग बहुत आवश्यक है। क्या बोलते हैं ना, फायर रेंज, हथियार हो और उसको आप चलाओ नहीं, बेकार हो जाएगा। आदत में नहीं है तो मुश्किल है, ये भी तो हथियार है ना। अभ्यासेन अनभ्यासेन विषम विद्या, विष है, अभ्यास नहीं तो विद्या विष के समान मार देती है। और अभ्यास ही तो सिद्ध है, अभ्यास हो तो सिद्ध रहती है। तो यहाँ महाराज कहाँ ये लोग आयुध का अभ्यास करेंगे, विदा करिए।
दूसरी बात, कोई महात्मा कहते हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने समझाया, राजन राम जी शिक्षा ले लिए, आयुध की दीक्षा प्राप्त करेंगे, इनकी कुंडली में ऐसा योग है कि किसी ऋषि मुनि के साथ जाएंगे तो शीघ्र इनका विवाह हो जाएगा, सो विदा करिए। दूसरी विधि, तीसरी विधि, विद्यार्थी जीवन के पश्चात कोई भी समझदार पिता अपनी संतान को थोड़े वर्ष तप में लगाता है, थोड़ा कुछ करो, कुछ सीखो। व्यापार भी करने वाले व्यक्ति को थोड़े दिन नौकर बनकर सेवा करनी चाहिए, जिससे सेवक से कैसे सेवा ली जाए इसका उसको अभ्यास हो जाए। उसको आजकल बीटेक एमटेक एमबीबीएस एमएस एमडी करने के बाद कहते हैं क्या, इंटर्नशिप, थोड़ा हाउस जॉब करना पड़ता है। कहा गुरुजी ने कि यहाँ से जब बाहर जाएंगे तो कैसे आश्रम में रहना, हो सके कभी आवश्यकता पड़ जाए तो रहना पड़ेगा। सो तब वशिष्ठ बहु विधि समझा, अनेक प्रकार गुरुदेव ने समझाया, महाराज का संदेह नाश हो गया। एक चौथी बात गुरुदेव ने कहा, राजन यज्ञ भगवान की कृपा है, यज्ञ नारायण की कृपा से आपको यह चार तत्व प्राप्त हुए, वेद तत्व नृप तव सुत चारी कहा ना। अब उसी यज्ञ रक्षा के लिए विश्वामित्र जी मांगने आए हैं तो आप मना कर रहे हैं, ना 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 ना, इनको दीजिए, इनका मंगल होगा। वही बात, जिससे हमको सुख समृद्धि रिद्धि सिद्धि ऐश्वर्य प्राप्त हो उसकी सेवा में और अधिक तत्पर होना चाहिए, यह हमारा कर्तव्य है। बस अति आदर। अब देखिए, पिता पुत्र का क्यों आदर करे? गुरुजी ने कहा जिस काम के लिए हम उपयुक्त नहीं हैं उसको करने हमारे पुत्र जा रहे हैं। कहते हैं कह निश्चर अति घोर कठोरा, कह सुत वयस किशोरा, मेरे छोटे बच्चे कितने कोमल हैं, कहां कठोर राक्षस कहां ये कोमल बच्चे, कहिए मैं चलूं? नहीं महाराज, आपका वहां काम नहीं है, वहां इनका ही काम है, और आपका ही कार्य होता तो हम पहले आपको न ले जाते। अब यहां एक बड़ी कठोर बात है, परिवार में पुत्र पौत्र अपने अपने कार्य को संभाल लें, इसके लिए बाबा को और बाप को, पिता को और दादा को अवस्था के अनुसार घर में व्यवहार करना चाहिए। बाबा पौत्र का काम करेंगे, बाप बेटे का काम करेंगे तो दोनों के न रहने पर पूरा घर समाप्त हो जाएगा। व्यवहार का सदैव ध्यान रखना चाहिए, जिसका जो कार्य है अवस्था के अनुसार वो व्यवहार करना चाहिए, इससे घर की होती है। कई लोगों की समस्या रहती है, कोई करते ही नहीं, बैठोगे तब ना कोई करेगा, तुम तमाशा देखो कि तुम्हारे रहते रहते क्या क्या हो रहा है, क्या क्या बिगड़ रहा है। गुरुदेव ने कहा आपका काम नहीं है, वो इनको ही जाना पड़ेगा, इसलिए अति आदर दो तनय बुलाए, मैं नहीं आपका काम है, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। गुरुदेव विश्वामित्र जी से राम चक्रवर्ती जी महाराज बोले मेरे प्राण नाथ सुत दो तुम मुनि आन नहीं, नहीं पूरा लो, आप इनके पिता भी हैं और माता भी हैं, क्योंकि और कोई नहीं है, सौंप दिए। अब दर्शन करिए, चक्रवर्ती जी महाराज ने राम लक्ष्मण को सौंपने में 4 घंटा लगाया, लेकिन जब मां के पास गए तो मां ने 1 मिनट नहीं लगाया, सौंपे भू परिशिह सुत बहु विधि देयसी जननी भवन गए प्रभु चले नाई।
के पास गए। सामान्यतया परिवार में पिता तो भेजता है, माँ नहीं भेजना चाहती, लेकिन माँ ने तुरंत विदा कर दिया, माँ ने रोका ही नहीं है, माँ को प्रणाम किया, प्रभु माँ मैं प्रणाम करता हूँ, गुरुजी के साथ जा रहा हूँ। अच्छा बेटा जाओ, क्यों? क्योंकि माँ जानती है भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्याई कारी ओ हर्षित महतारी मुनि महारी अकद रूप निहारी। ए जी दिखरावा माँ तहीं निज अद्भुत रूप अखंड रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। मां जानती है राम जी परमात्मा है, जा रहे हैं कार्य करके लौटेंगे। मां ने पल नहीं रोका, पूछा भी नहीं, क्योंकि मां बोध में है। सोई विवेक सोई रहने प्रभु हम ही कृपा करिए। भक्तों का विवेक प्राप्त है माँ को, भक्तों की रहनी प्राप्त है, भक्तों का सुख प्राप्त है, भक्तों की भक्ति प्राप्त है। संसार के राग में उलझने का काम नहीं, संसार के विषयों में फंसने का काम नहीं। संसार में किसी से बुरा भी मानने का काम नहीं। कब तक मानेंगे? काल कवल हो ही छन माही, कब क्या घटे, कब क्या बढ़े, कुछ नहीं। चले प्रभु पुरुष सिंह दो वीर हर्ष चले मुनि भय हरन कृपा सिंधु मति धीर अखिल कमलवत नयन सरकार के अजान बाहु घुटने से नीचे भुजाएं। ये परम भाग्यशाली जीव जिसकी भुजाएं घुटने से लंबी हो, अजान बाहु, मुनि वसन ब्रह्मचर्य आश्रम में है, पीत वस्त्र धारण किए सरकार, सारंग कंधे पर, कांधे पर, तरकस पीठ पर, दोनों भाई चले। बाबा कहते हैं मानो विश्वामित्र जी ने खजाना प्राप्त कर लिया हो, ऐसा नहीं कि ऐसे ही मिल गया हो। तप का फल है, जो तपता है उसको प्राप्त होता है। तपता मने आग नहीं तापना है, भजना है, भजना है, भजेंगे तो फल प्राप्त होगा। विश्वामित्र महान विश्वामित्र जी मन ही मन चले जा रहे हैं और सोच रहे हैं अरे प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना मोहिनित पिता तजो भगवान। मैं क्या कर रहा हूं? अरे भगवान ब्राह्मणों को देवता मानते। देखो इसके दो अर्थ हैं, अन्योनाश्रय है एक दूसरे पर शब्दावली। प्रभु ब्रह्म अन्य देव में जाना, भगवान तो साक्षात ब्रह्म है, मैं इनको अन्य समझ रहा था। प्रभु ब्राह्मणों को अपना देवता मानते हैं, इसलिए विप्रबंश के असी प्रभुताई अभय हो जो तुम्हें डराए। भगवान ने सब कुछ छोड़ दिया केवल मेरी सेवा के लिए। देखिए प्रवचन बहुत सरल है, कथा करना भी बहुत सरल है, त्याग सरल काम नहीं है, बहुत कठोर है। घर त्याग नहीं होता, भोजन तो बहुत दूर की बात है, भजन में सब त्याग जाता है जीव। भगवत स्मरण के लिए संसार के व्यवहार का त्याग नहीं बन पाता। परमात्मा ने मेरे लिए सब कुछ त्याग दिया, विश्वामित्र जी मन ही मन विचार करके आनंदित हो रहे हैं। मोहिनित पिता तजउ भगवान। अभी विचार करते जा रहे हैं कितने में ताड़का दिखाई पड़ी,
चले जात। मुनि दीन दिखाई तब सुन ताड़का, क्रोध करी धार। गुरुदेव भगवान ने कहा, राम जी ये देखिए ताटका नाम की राक्षसी है, इसने अनेक ऋषि मुनियों को खाया है। भगवान ने एक बाण निकाला, छोड़ दिया। जिस गति से भगवान ने बाण छोड़ा उसी गति से पंक्ति को गाइए। एक कही बाण प्राण हर लीना, तिन जान ते ही निज बल दीना, तिन जान ते ही निज बल दीना, तिन जान ते ही निज बल दीना। तब ऋषि निज ना थई जिय जीनी, विद्या निज कहूं विद्या दी, जाते लागन छुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा, आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रम हार, कंद मूल फल भोजन दीन भगति तजार। ये भी बड़ी विचित्र कथा है। ताड़का को भगवान ने जब मारा तो ताड़का भगवान के धाम भगवान के पद में लीन हो गई। पहले पहुंच के प्रणाम की, फिर भगवान ने जहां भेजना था उसको भेज दिया। क्यों? दीन जानकर। क्यों गई फिर कभी चर्चा होगी। बड़ी अच्छी बात है, अब पहचान गए। परीक्षणों परांतर तो विश्वास ही हो गया, और जितने आयुध तप करके विश्वामित्र बाबा रखे थे सब अर्पित कर दिए। श्री रामार्पणमस्तु। आश्रम लाए, कंदमूल फल भोजन कराए, रात्रि बीती है। प्रातःकाल प्रभु ने हाथ जोड़कर विनय किया, संध्योपरांत कहा प्रभु, प्रातः कहा मुनि सन रघुराई निर्भय जल करहु तुम जाई, करन लागे मुनि झारे आप रहे मख की रखवारी, सुने मारी निसाचर खोहे लये सहाय धावा मुनि द्रोही, बिनु फरमान राम देहि मारा, सत जो जन का सागर पारा, पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज पढ़ते जाइए, समझते जाइए, रससिक्त रहिए। प्रभु ने कहा यज्ञ करिए गुरु महाराज, यज्ञ करिए। बोले जिसके लिए यज्ञ कर रहे थे वही आ गया, अब क्या यज्ञ करना। प्रभु ने कहा आप जिसके लिए यज्ञ कर रहे थे सरकार वो तो ठीक है, लेकिन अब वो जिसके लिए आया है वो तो करिए, हम तो यज्ञ करने आए हैं, स्वाहा करने आए हैं। गुरु चेला की भाखा है साहब,
प्रभु ने कहा तब यज्ञ की रचना बनी। मारीच और सुबाह दौड़े, रावण का जो सुरक्षा घेरा है बड़ा जबरदस्त है। पूरी दुनिया में सबसे कमजोर सुरक्षा घेरा भारत का है। क्यों? हमारा देश लड़ाई झगड़े में रुचि नहीं रखता, और जो लड़ाई झगड़े में ही रुचि रखते हैं उनके देश में सबसे अधिक बजट लड़ाई के सामान खरीदने का होता है। अंदर परेशान और बाहर सामान। ऐसे देश धीरे धीरे इतिहास के पन्ने से उड़ जाते हैं, पता नहीं चलता है। भारत शांति का देश है, भारत सहजता का देश है, भारत पुण्य भूमि है, देव भूमि है, संतों का देश है, भागवतों का देश है, भक्तों का देश है। भारत जैसा कोई दुनिया में देश नहीं है। भारत के किसी कोने में भी आप चले जाएंगे तो भगवान का मंदिर मिलेगा, कोई नदी मिलेगी, कोई सरोवर मिलेगा, कोई न कोई भगवान मुनि वहां अवश्य होंगे। और किसी भी देश में जाइएगा तो लोग समुन्द्र के किनारे नंगे नंगे लेटे मिलेंगे, उसको वहां बीच कहते हैं। उघारे उघारे पड़े रहते हैं सब। हम लोग विदेश गए थे, बोले दर्शन करो। अरे कहाँ दर्शन करेंगे, आंख बंद करके भागो, दर्शन करने लायक कुछ है ही नहीं। अयोध्या जाते तो भगवान का दर्शन करते, काशी जाते तो बाबा का दर्शन करते, मथुरा जाते तो सरकार का दर्शन करते। क्या दर्शन? दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं जैसा हमारा भारत देश है। रावण ने, लंका में रहने वाले रावण ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था अयोध्या के किनारे तक बना रखी है, और सब जगह पुरुषों को पीछे रखा, स्त्रियों को आगे कर रखा है। बक्सर के पास वो ताटक वन में ताड़का को पधरा रखा है, दंडकारण्य में सुपर्णखा को लगा रखा है, समुद्र के गर्भ में सिंहिका को लगा रखा है, और लंका के प्रमुख द्वार पर लंकिनी को लगा रखा है। चार चक्रीय उसकी व्यवस्था, चारों जगह महिलाएं हैं, और इन महिलाओं के पीछे पुरुषों की फौज है। ताड़का मरी, सुबाह और मारीच दौड़ पड़े। बिना फर का बाण भगवान ने मारा, मारीच 100 योजन पार गया। सत योजन गा सागर पारा। सुबाह को भगवान ने, ताड़का का बच्चा है, एक बाण मारा, अग्नि बाण विध्वंस हो गया, भस्म हो गया। यज्ञ रक्षा भाई अपनी भक्ति बढ़ने के लिए, भक्ति को बढ़ाने के लिए गुरु विश्वामित्र जी पुराण इतिहास की कथा सुनाते हैं। याज्ञवल्क जी कहते हैं, हे भरद्वाज जी, यद्यपि राम जी सब जानते हैं फिर भी सब सुनते हैं। देखिए, अच्छे जानकार हैं आप, अच्छे वक्ता हैं, तो अच्छा श्रोता भी बनने का अभ्यास करिए। कोई सुनाए तो श्रद्धा से सुनिए, नहीं बच्चे भी सुनाए तो प्रेम से सुनिए। आप जानते हो तब भी सुनो। दादाजी सुनाते हैं, हम सुनते हैं, ये 2 दिन से ही सुना रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ। आओ गाएं रामकथा घर घर में, हम खुदे सुनते रहते हैं 2 घंटा 4 घंटा। क्यों? ये ग्रंथ आया है, आओ गाएं रामकथा घर घर में। आप पढ़ेंगे तो आपको कथा स्वयं कथावाचक बन जाएंगे, ऐसा बच्चों ने बनाया है। हैदराबाद कथा है, आनंद आता है। हमारे चित्त में कथा सुनने और सुनाने दोनों की ललक बन जाए, ये दूसरी और तीसरी भक्ति है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंग, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति। उस कथा सुनने से परिणाम आएगा। गुरुदेव ने कथाएं सुनाई, प्रभु सुनते रहे, कुछ दिन यहां रहे, आनंद होता रहा। इतने में मिथिला से मिथिलेश की एक चिट्ठी आई, पत्रिका आई, संदेशा आया, खबर आई, सूचना आई,
काहे की? महाराज हमारी बिटिया का स्वयंवर है, आप आशीर्वाद देने पधारे बिटिया के विवाह में, तो क्या सौभाग्य है। यज्ञ में यज्ञ है प्रभु से। गुरुजी ने कहा अयोध्या जाएंगे कि हमारे साथ चलेंगे? अरे आपके साथ आएंगे, आपे के साथ चलेंगे। प्रभु भी यज्ञ के लिए आए तो वहां एक धनुष यज्ञ है। आहा चले, बाबा ने लिखा धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा हरषि चले मुनिवर के साथा। आश्रम एक देख मग माहि खग मृग जीव जंतु तनाहि। पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखे सकल गौतम नारी शाप बस उपल देह धर दे चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रहु। धनुष यज्ञ है सुनकर प्रभु चल पड़े। मार्ग में एक आश्रम दिखा पड़े। एक कथा बड़ी संक्षिप्त है बड़ी प्यारी साहब, क्या कहना, पूरा सत्र है। आश्रम है न पशु न पक्षी न वृक्षों में हरितिमा फल न झाड़ में पुष्प। आश्रम के मध्य में एक मूर्ति बैठी है, पत्थर की मूर्ति शिला बैठी है। प्रभु ने पूछा मुनि शिला प्रभु देखी सकल कथा मुनि कहा। जो भी विशेष कथा थी मुनि जी ने सब कह दिया। क्या कहा लिखा ही नहीं यहाँ, जो लिखा नहीं उसको न कहना चाहिए न सुनना चाहिए। आप जानते हो तो जानते रहो, वही जो आप जानते हैं वही गुरु जी ने कही। कहा कि गौतम नारी शाप बस उपल देह धरि धी चरण कमल रज चाहती अब कृपा करहु रघुबीर। भगवान कृपा कब करते हैं? जब कोई साधक उनसे कहे, सदगुरु कहे, भगत प्रार्थना करे। क्योंकि इनकी तो आदत है ना, कृपा की न होली जो आदत तुम्हारी तो सोने ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न हो गुरु जी ने कहा और भगवान ने कृपा कर दिया। माँ का उद्धार हो गया। किया क्या? पर सत पद पावन भगवान ने माँ के पद का स्पर्श कर लिया। पर सत पद पावन कई लोग ऐसा मानते हैं भगवान ने पांव से माँ को छू दिया। गलत, ऋषि पत्नी है ना, भगवान ने पांव जही छुआ भगवान ने कर से मां का पांव छू लिया। पर सत पद पावन सोकन सागर प्रगट भई तप देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोरी। माँ के नेत्रों से झरझर अश्रु निकल पड़े और माँ हाथ जोड़कर अश्रु पूरित भाव से बोल पड़ी। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।